राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विभाजन के बाद दोनों गुट अपना संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट की नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जहां प्रशांत पवार को शहराध्यक्ष का पद दिया गया है तो अन्य पदों पर भी नियुक्ति की गई है, जिस विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिचय का आयोजन किया गया था। इस समय जानकारी देते हुए नवनियुक्त शहराध्यक्ष प्रशांत पवार ने बताया कि सांसद प्रफुल्ल पटेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में जानकार जनता की समस्या निवारण हेतु जनता दरबार का प्रावधान किया जाएगा। इतना ही नहीं तो हर सप्ताह में महिला आयोग सदस्य आभा पांडे के नेतृत्व में पार्टी द्वारा महिलाओं की समस्याओं के निवारण हेतु 1 बजे से 2:30 बजे के बीच जनता दरबार का विशेष आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। इस वक्त विशेष रूप से बोलते हुए कहा कि जिसकी जनता के बीच काम करने की दृढ़ तैयारी हो उसी को हम पद देंगे। आम्ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शहर याची प्रेस घेण्याचं कारण माझी शहराध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली, श्रीकांत शिवणकरची उपाध्यक्ष आपला कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून झाली, आमचे माजी शहराध्यक्ष अनिल भाऊ ऐरकर यांची उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य याच्यावर झालेली आहे, आणि दोन आम्ही विभाग अध्यक्ष नेमले, एक अरविंद बाजीपाले, दुसरा प्रशांत अग्रवाल, आणि त्या अनुषंगाने आमचं आता राष्ट्रवादीचं काम या शहरामध्ये झपाट्यानं सुरू झालेलं आहे। ज्या बाकी अपॉइंटमेंट्स आहेत त्या आम्ही फार लवकर म्हणजे 8 ते 10 दिवसामध्ये पूर्ण करणार आहे, आणि ज्या अपॉइंटमेंट्स आम्ही करणार आहे त्या नुसत्या कागदावर राहणार नाही तर त्या रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्यालाच आम्ही या कार्यकारिणीमध्ये सामावून घेणार आहे। त्याच्यामुळे जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचं सगळ्यात पहिलं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं राहील, याच्यात काही वाद। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।